कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस के दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार सोना चांदी से लेकर पीतल और तांबे के बर्तन और बाकी चीजों की खरीदारी करते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। तो अब आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा क्यों की जाती है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि भगवान धन्वंतरी को क्यों पूजा जाता है और कैसे भगवान धन्वंतरी सबके सामने आए। सनातन धर्म में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। इस शुभ तिथि पर भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति को आयु, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य और संपत्ति समेत सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। ज्योतिषी और आयुर्वेद के जानकार सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान धन्वंतरी की उपासना करने की सलाह देते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अमृत पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन किया गया। भगवान धन्वंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। ऐसे में धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा का विधान है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।